तो देखो, आज हम स्टार्ट करेंगे आज हम स्टार्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम सीखेंगे आज हम प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग। तो जिसके लिए हम कंपनी बनाएंगे, न्यू वॉच एम्पोरियम कंपनी, और इसके अंदर हम प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है? प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग होता है कि जब सारा का सारा रॉ मटेरियल को यूज़ करके हम अपनी ही फैक्ट्री के अंदर कोई भी फिनिश गुड जनरेट करते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का। और अगर हमने खुद से कोई आइटम नहीं बनाई, अपनी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट को जनरेट नहीं किया, तो उसके लिए फिर हम बिजी के अंदर दूसरी मैन्युफैक्चरिंग दी गई हैं उनका यूज़ करते हैं। बेसिकली तीन तरह की मैन्युफैक्चरिंग आपको करनी रहेगी। फर्स्ट तो ये हो जाएगी आपकी प्रोडक्शन, जिसके अंदर अगर आपने अपनी ही फैक्ट्री के अंदर सारा का सारा सामान से क्या करा है, फिनिश गुड्स बनाया है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का। और अगर हमने अपना रॉ मटेरियल किसी को बनाने के लिए दिया, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टॉक जनरल, स्टॉक ट्रांसफ़र, और एक और मैन्युफैक्चरिंग होती है जिसको कहा जाता है मटेरियल इशू और मटेरियल रिसीव। ठीक है, तो आज का पार्ट रहेगा हमारा प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का। और इसके अंदर इसको करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले परचेजेस करनी पड़ेगी, हमें सामान खरीदना पड़ेगा प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो हम पहले क्या करते हैं, जितनी भी हमारी परचेजेस हैं वो सारी की सारी हम यहाँ पर परचेज कर लेते हैं। लेकिन परचेज करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना, आप सबसे पहले आप मास्टर में आना और यहाँ पर बिल संडरी जो बने हुए हैं इन बिल संडरी को मॉडिफाई कर लेना। ये बिल संडरी आपके मॉडिफाई होंगे तभी आपकी कॉस्टिंग सही निकलेगी। जैसे कि डिस्काउंट के अंदर सेल परचेज पे तो यहाँ पर टिक है, लेकिन बाकी सारे फीचर ऑप्शन पे टिक नहीं है। ये है कॉस्टिंग, हमें एक प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है। तब तक हम इन वाले फीचर को यस नहीं करेंगे तब तक हमको मालूम नहीं चलेगा कि हमने एक प्रोडक्ट कितने रुपए में बनाया और एक्चुअल लागत क्या है। अगर हमको एक्चुअल लागत नहीं मालूम होगी, उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं मालूम होगी, तो हो सकता है कि हम उसको क्या कर दें, लॉस में भी सेल कर दें। ठीक है, तो हमें पहले मालूम होना चाहिए एक्चुअल में हमारा प्रोडक्ट बन कितनी कीमत का रहा है। इसी तरह से यहाँ पर फ्राइट एंड फॉरवर्डिंग के अंदर भी यस कर देंगे और उसको F2 बटन दबाकर हम सेव कर देते हैं। उसके बाद राउंड ऑफ, जितने भी हमारे यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए हैं सभी को यहाँ पर हम यस कर देंगे। और राउंड ऐड, इन सभी में भी हम क्या कर देंगे, इसको F2 बटन दबाकर सेव कर देंगे। सर्विस टैक्स वगैरह तो जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन बाकी जो दूसरे इसके अंदर हेड बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर हेड बना हुआ है रोल चार्जेस फ्राइट, तो फ्राइट तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी ठीक कर दिया। रोल चार्जेस डाल देते हैं यहाँ पर हम, और इनके अंदर हम सारे फीचर ऑप्शन को यस कर देते हैं। और ये परसेंटेज में नहीं रहेगा, हमेशा किस में रहेगा, एब्सोल्यूट अमाउंट, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज में डिस्काउंट रहता है, डिस्काउंट के अलावा और कोई भी चीज़ परसेंटेज में नहीं आती है। ठीक है, बाकी सब हमारा एब्सोल्यूट अमाउंट में ही रहेगा। उसके बाद देखो आगे क्या दिया गया, फिर डिस्काउंट एंड फ्राइड, फिर इंश्योरेंस चार्जेस है, तो इंश्योरेंस चार्जेस भी हमेशा किस में मिलेगा आपको, यानी कि हमने अपने सामान का क्या करवा लिया, इंश्योरेंस करवा लिया। और ये भी हमारा ऐड ही रहेगा। ठीक है, इसको हम पहले इसलिए बना रहे हैं ताकि हम आगे जब बनाए तो उसमें कोई मिस्टेक्स ना हो जाए हमसे। ठीक है, बस यही है। तो आगे हम स्टार्ट करेंगे परचेज। पहली परचेज करी है हमने शिका वॉच लिमिटेड कंपनी से। तो परचेज के लिए जैसे हम नॉर्मल परचेज करते आए हैं, सेम वैसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे। जैसे कि हमको दिया गया है, कंपनी का नाम दिया गया है इशिका वॉश लिमिटेड कंपनी, तो हमने यहाँ पर कंपनी बनाई, डेट हमने यहाँ पर डाली 2, और वाउचर नंबर इसका 5501, पार्टी का नाम क्या है यहाँ पर, इशिका वॉश लिमिटेड कंपनी, तो हमने F3 बटन दबाया, लिख दिया इशिका वॉश लिमिटेड कंपनी, और इसके अंडरग्राउंड में हमने डाल दिया सिंडिकेटर्स, और एड्रेस डिटेल्स वगैरह आप क्या कर लेना, खुद से डाल लेना यहाँ पर। ठीक है, फिलहाल हमने डायरेक्ट इसके सेव किया। और अब कहता है कि आइटम आइटम हमने कहा, हमने जो आइटम परचेज करी उस आइटम का नाम है ब्रांड लोगो, तो हमने F3 बटन दबाया, यहाँ पर लिख दिया ब्रांड
लोगो, और इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, लिखा पीस के अंदर परचेजिंग प्राइस इसका 87 है, तो परचेजिंग प्राइस 87 है तो 87 डाल दिया। क्वांटिटी हमने परचेज करी इसकी 1180, और फिर उसके बाद हमने दोबारा F3 बटन से बना लिया मिनट हैंड। तो यहाँ से हम बना लेंगे मिनट हैंड, और मिनट हैंड भी हमने सब सामान जो खरीद रहे हैं पीसेस में खरीद रहे हैं। और उसके बाद क्वांटिटी कितनी है इसकी, 2245 रुपये। फिर हमने दोबारा आपसे बटन दबाया और क्या दिया गया है, क्राउन, तो हमने यहाँ पर लिख दिया क्राउन। और ये भी हमारा किसके अंदर है, पीस के अंदर है, जिसका सेलिंग प्राइस तो नहीं है, सिर्फ परचेजिंग प्राइस डालना है आपको, और वो है इसका क्वान्टिटी इसकी 1300, तो हमने 1300 क्वान्टिटी डाली और इसका प्राइस है 57। फिर आपने दोबारा F3 बटन दबाया और क्या लिख दिया, कैलेंडर विंडो, तो हमने लिखा कैलेंडर, कैलेंडर विंडो, और ये भी किसके अंदर है, पीसेस के अंदर है, और F2 बटन दबा के सेव किया। क्वांटिटी इसकी है 1400, तो हमने 1400 क्वांटिटी डाली, और क्या इसका रेट है, 18 रुपीज़। उसके बाद है लग A2, तो हमने यहाँ पर लिख दिया लग A2, और किसके अंदर है, ये भी पीसेस के अंदर है, F2 से हमने उसको सेव किया। क्वांटिटी कितनी है इसकी, 1650, और रेट हमको दिया गया इसका 46। दोबारा हमने F3 बटन दबाया और यहाँ पर क्या दिया गया है, केस A5, और किसके अंदर है, पीस के अंदर है, और इसका परचेजिंग प्राइस हमको दिया गया है 96, तो हमने 96 डाल दिया। फिर दोबारा हमने F3 बटन दबाया और यहाँ पर अब दिया गया है ओवर हैंड, तो हम यहाँ पर परचेज कर लेंगे ओवर हैंड। और ये सब सामान हम जो परचेज कर रहे हैं पीसीस में खरीद रहे हैं, और पीसीस से क्या करेंगे आगे, हमारा जो बिज़नेस है वो वॉच का बिज़नेस है, वॉच बनाते हैं, तो वॉच को बनाने में जो भी प्रोडक्ट, जो भी मटेरियल लगेगा, वो सारा मटेरियल हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ख़रीदना पड़ेगा। तो वही सारा सामान हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दिया गया है सेकंड हैंड, तो हमने यहाँ से बना लिया सेकंड हैंड, तो लिख दिया हमने यहाँ पर सेकंड हैंड, और ये भी रहेगा हमारा पीस के अंदर सेलिंग प्राइस और परचेजिंग प्राइस ही डालना, सेलिंग प्राइस के यहाँ पर डालने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये है आपका 10 रुपीज़, और लास्ट आपको होवर मार्क परचेज किया आपने, यहाँ पर लिख दिया होवर मार्क, और ये भी जो आपका है पीसेस के अंदर ही है, और आपने इसको F2 बटन दबाकर सेव कर दिया। कितनी क्वांटिटी आपने यहाँ पर खरीद ली इसकी, 1260, और इसका प्राइस जो है वो 70 रुपीज़ है। उसके बाद आगे क्या दिया गया, डिस्काउंट दिया गया, तो डिस्काउंट डाल दिया आपने 10 रुपीज़। उसके बाद 10% डिस्काउंट दिया गया, फिर कहता है फ्राइट है, तो फ्राइट आपका हो गया 1500 रुपये, और फिर कहता है कि रोल चार्जेस भी हैं, और रोल चार्जेस आपके 1500 रुपये हैं, तो टोटल जो कॉस्ट आ गई 584004। ये इतनी वैल्यू का हमने सामान यहाँ पर खरीद लिया। उसकी ट्रांसपोर्ट डिटेल वगैरह जो भी आपको दी गई है वो आप यहाँ से डाल भी सकते हैं, जैसे कि जय माता दी कॉम्प्लेक्स और आला नंबर जीआर नंबर दी गई है। और इसके अंदर एक चीज़ और आप देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि बैंक की डिटेल दी गई है, और किस बैंक की डिटेल दी गई है, जिस पार्टी से आप परचेज कर रहे हो उस बैंक, उसकी बैंक की डिटेल से। तो बैंक की डिटेल्स अगर आप देखोगे तो इसके अंदर अकाउंट जब हम बनाते हैं तो पार्टी की बैंक की डिटेल डालने के लिए आता है, तो बैंक की डिटेल हम वहाँ पर डाल सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पर, मैं डाल नहीं रहा लेकिन आप लोग यहाँ पर डाल देना ज़रूर, ठीक है। तो हमने फर्स्ट परचेज कर लिया यहाँ पर, अब सेकंड परचेज हमको दिया गया है, कहता है कि अब आपने जो परचेज किया है उस परचेज आपने रूप चंद वॉच से आपने यहाँ पर अगली अपने परचेज को किया है, तो हमने डेट इसकी डाल दी क्या, 5, वाउचर नंबर 560 है, F3 से पार्टी बनाई, और पार्टी का नाम हमें क्या दिया गया है, रूप चंद वॉच, तो हमने यहाँ पर लिख दिया रूप चंद वॉच, और ये क्या है, पार्टी हमारे सिंडिकेटर है, तो सिंडिकेटर डालना, F2 बटन दबा के हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सेव कर दिया। और आगे क्या दिया गया है, आगे आपने जो परचेज किया है वो कैश बॉडी कैश ब्रांड, तो यहाँ पर आपने F3 बटन दबाया, कैश बॉडी कैश
ब्रांड, और आपने खरीदा ये पीस के अंदर, और एफ टू से आपने इसको सेव कर दिया, कितनी क्वांटिटी 1290। फिर दोबारा आपने एफ सी बटन दबाया, क्या खरीद लिया, इसका प्राइस है इसका 80, और 80 डाल दिया। फिर एफ थ्री बटन दबाया हमने, और आगे स्टेप टू अटैच हमने परचेज कर लिया, और ये हमारा पीसेस के अंदर है। और एफ टू से हमने इसको सेव किया, कितनी क्वांटिटी है इसकी, तो 1650, और इसका रेट है 80। फिर एफ सी बटन दबाया हमने, और आगे हमने क्या कर लिया, आगे हमने खरीदा कैश बैक, और ये किसमें है, पीसेस के अंदर है, और एफ टू बटन दबा कर हमने सेव किया, कितनी क्वांटिटी है इसकी, इसकी 1550 क्वांटिटी है, और इसका रेट क्या आएगा, 10 रुपये है। फिर हमने दोबारा एफ सी बटन दबाया, और क्या खरीद लिया हमने, आगे हमने खरीदा डग हॉल, और ये हमारा आएगा पीसेस के अंदर, और एफ टू बटन दबा के हमने सेव किया, कितनी क्वांटिटी है इसकी, 1680, और इसका रेट कितना है, 40। फिर दोबारा हमने एफ सी बटन दबाया, और क्या दिया गया, बक्कल टंग, तो हमने यहाँ पर बक्कल टंग परचेज कर लिया, और ये हमारा पीसेस के अंदर है, और एफ टू से हमने उसको सेव किया, और ये क्वांटिटी हमने खरीदी है वो 1280 खरीदी है, और इसका रेट 50 रुपीज़ है। फिर दोबारा एफ सी बटन दबाया हमने, और आगे हमने सामान खरीद लिया, वो हमने बक्कल कर लिया, और ये हमारा पीसेस के अंदर ही है। एफ टू से हमने उसको सेव कर दिया, कितनी क्वांटिटी खरीदी हमने, 1330, और इसका रेट क्या है, 90 रुपये। फिर दोबारा हमने एफ सी बटन दबाया, और क्या दिया गया यहाँ पर, फ्री लूप बी टू, तो हमने यहाँ पर लिख दिया फ्री लूप, और फ्री लूप क्या दिया गया, बी टू, और किसके अंदर है, ये पीसेस के अंदर है। एफ टू से हमने इसको सेव किया, और कितनी क्वांटिटी इसकी, 1440, और क्या रेट दिया गया इसका, 20। फिर आगे आपने दोबारा एफ सी बटन दबाया, और क्या लिख दिया, फ्री लूप बी बी थ्री, और हमने किसमें परचेस किया, पीसेस के अंदर, एफ टू से सेव कर दिया, और क्या क्वांटिटी है इसकी, 1360, और इसका रेट क्या आएगा, 30 रुपये। फिर दोबारा हमने एफ थ्री बटन दबाया, और हमने सामान अब जो खरीद लिया वो एडजस्टमेंट हॉल हमने परचेस किया है, हॉल डाला हमने, और ये किसमें है, पीस के अंदर, और एफ टू बटन दबा के हमने सेव किया, कितनी क्वांटिटी है, 1890, और इसका रेट क्या है, 30। उसके बाद हमने दोबारा एफ सी बटन दबाया, और क्या दिया गया, डिस्काउंट, और आगे कितना परसेंट डिस्काउंट है, तो क्या है, डिस्काउंट 3% है, और फिर कहता है फ्राइट लग गया आपका, और फ्राइट आपका कह रहा है कि 3500 रुपये लगा है, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 6,12,563 रुपये, इतनी वैल्यू का हमने यहाँ पर परचेज कर लिया सामान। दो परचेज हमारी कंप्लीट हो गई, और तीसरी परचेज कहता है आपने जो परचेज किया है वो स्टाइल वॉच प्राइवेट लिमिटेड जो आपकी कंपनी है आपने उससे परचेज यहाँ पर किया है। तो थर्ड परचेज हम डालेंगे, इसकी डेट है 6/4, और वाउचर नंबर इसका दिया गया आपको, वाउचर नंबर हम 4 ही डाल देते हैं यहाँ पर, आप पूरा डाल देना। और यहाँ पर हमने जो परचेज करी है वो स्टाइल वॉच लिमिटेड से परचेज करी है, स्टाइल वॉच प्राइवेट लिमिटेड से, तो हमने एफ सी बटन दबा दिया, लिख दिया स्टाइल वॉच प्राइवेट लिमिटेड, और उसके अंडर ग्रुप हमने डाल दिया क्या, सिंडिकेट, और एफ टू बटन दबा कर सेव कर दिया। क्या सामान खरीदा हमने, तो हमने सामान जो खरीदा है वो खरीदा है ब्रांड लोगो मार्क, तो एफ सी बटन दबाया हमने यहाँ पर, क्या दबाया हमने यहाँ पर, एफ सी बटन, यानी क्या लिख दिया, ब्रांड लोगो मार्क, और ये भी किसमें है, हमारा पीसेस के अंदर ही है, और एफ टू से हमने इसको सेव कर दिया, कितनी क्वांटिटी है इसकी, 1470, और फिर हमने दोबारा एफ सी बटन दबाया, और क्या लिख दिया, कैश नाइस और ब्रांड, ये भी पीसेस में ही है, तो हमने पीसेस में ही परचेज किया, और इसका सामान हमने 1130 क्वांटिटी परचेज करी है, और आगे हमने दोबारा एफ सी बटन दबाया, और ये हमने खरीदा है आगे पुश बटन, तो हमने पुश बटन परचेज कर लिया, और पुश बटन जो हमने खरीदा अब यहाँ पर ये भी पीसीस में ही है, तो हमने एफ टू बटन से सेव करा, और इसकी कितनी क्वांटिटी है, 1760 है। फिर आगे हमने दोबारा एफ सी बटन दबा दिया, रेट हम एक साथ डाल देंगे सबके, ठीक है, तो पहले हम आइटम ही बना लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाद में डाल दो, पहले डाल दो,
उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और F2 से हमने इसको सेव करा, कितनी क्वांटिटी है इसकी, हमने कहा 1640 क्वांटिटी है। और आगे क्या दिया गया है, पैंट कलर, तो हमने यहाँ लिख दिया पैंट, F3 बटन दबाया, लिख दिया पैंट कलर। और ये हमने जो परचेज़ किया है पीसेस में किया है, और F2 बटन दबाया, और कितनी क्वांटिटी हमने परचेज़ करी, 1630। फिर हमने दोबारा F3 बटन दबाया, और क्या हमने ख़रीदा है, लिक्विड क्रिस्टल, तो आगे हमने यहाँ पर लिख दिया लिक्विड। क्रिस्टल और पीसेस में डाला, F2 से सेव कर दिया, और ये 1520। फिर मैंने दोबारा F3 बटन दबाया और क्या लिख दिया, पैनल कवर, तो हमने लिख दिया यहाँ पर पैनल C5। और कितनी क्वांटिटी है, F2 से सेव किया 1470, और यहाँ पर आगे 100 इसका रेट था, तो 120 रुपीज़ है तो 20 रुपीज़, और 180 है तो 80, और ये 100 है, उसके बाद जो रेट है वो 20 रुपीज़, और फिर 70 रुपीज़, और फिर 70 रुपीज़, तो टोटल जो प्राइस इसका 716,300। और कहता है कि डिस्काउंट आपको मिल गया है 4.5%, और फिर कहता है कि जो इंश्योरेंस चार्जेस हुए हैं उसके चार्जेस लग गए आपके कितने, तो कहता है कि 5,500 रुपये आपके इंश्योरेंस चार्जेस लग गए, और बिल की वैल्यू आप देखोगे तो 689,566, और यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 50 पैसे हमारे राउंड ऑफ हुए तो राउंड ऑफ कर दिया, तो लास्ट वैल्यू 689,567 अमाउंट हमारा पूरा मैच हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब इसको F2 बटन दबाकर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर अगली परचेज हमको जो दी गई है, अगली तो कोई परचेज ही नहीं है, आगे अब कहता है कि प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग आपको स्टार्ट करनी है। यहाँ पर अब आपको वो रॉ मटेरियल यूज़ करना है जो आपने ख़रीदा है, उस एक रॉ मटेरियल से हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब वॉच बनाएंगे। और वॉच को बनाने के लिए देखो हमें यहाँ पर आना रहेगा, और ये हमारा प्रोडक्शन वाउचर, प्रोडक्शन वाउचर का यूज़ करके अब हम यहाँ पर एक वॉच को जनरेट करेंगे। तो वॉच हमको दी गई है, कब बनानी है हमें, तो कह रहा है कि डेट जो है वो 12 तारीख है, तो हमने कहा ठीक है 12 डेट डाली। अब कहता है बूम नेम क्या है, बूम नेम का मतलब होता है बिल ऑफ मटेरियल, तो यहाँ पर हमने कहा फास्ट ट्रैक लेदर वॉच बनाएंगे हम, और इसका बूम नेम हमने रखा फास्ट ट्रैक लेदर वॉच। और अब आइटम टू प्रोड्यूस, आइटम जो हमारी बनेगी बेचने के लिए, उसका नाम हमें आ रहा है ब्लैक डायल लेदर स्ट्रैप वॉच, तो हमने यहाँ पर F3 बटन दबाया, लिख दिया ब्लैक डायल लेदर स्ट्रैप वॉच, और ये हमारा F3 बटन दबाएंगे, यहाँ लिख देंगे फिनिश गुड्स, और इसके अंडर ग्रुप में हम रखेंगे जर्नल, और ये रहेगा हमारा पीस के अंदर ही। और इसको सेव करने के लिए हम F2 बटन दबाएंगे, और यहाँ पर अब पूछता है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आप जनरेट करोगे। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटिटी का बताना है कि एक क्वांटिटी में कितना मटेरियल लगेगा, और एक क्वांटिटी को बनाने में हमारा टोटल एक्सपेंसेस क्या होगा, बाकी सारी चीज़ें ये खुद से कैलकुलेट कर लेता है। एक क्वांटिटी का हम बताएंगे एक क्वांटिटी में क्या मटेरियल लगेगा, और एक क्वांटिटी को बनाने में खर्चा क्या आएगा, बाकी सारी चीज़ों को ये खुद से मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट दे देता है। और यहाँ पर हम रखते हैं मेन स्टोर टू मेन स्टोर, कहता है कि जो आप आइटम बनाओगे उसको रखोगे कहाँ, हमने कहा हमारे पास जो गोडाउन है मेन स्टोर वाला वहाँ रखेंगे, और कह रहा है कि जो आइटम आपकी कंज्यूम होगी वो कहाँ से होगी, तो हमने परचेज़ करते वक्त क्या रखा था, मेन स्टोर ही रखा था, तो हमने यहाँ पर परचेज़ करते वक्त मेन स्टोर ही रखा, और यहाँ पर भी हमने मेन स्टोर ही रखा। अब कह रहा है कि आइटम क्या लगेगी बनाने के लिए, जब आप घड़ी बनाओगे ये घड़ी इस तरह की, तो इसको बनाने में मटेरियल क्या लगेगा, तो देखो मटेरियल यहाँ पर ये दिया गया कि ये मटेरियल लगेगा, तो आपने यहाँ पर लिख दिया ब्रांड लोगो, कह रहा है कि ब्रांड लोगो एक पीस में एक लग रहा है, हमने कहा ठीक है एक पीस में एक लग रहा है तो एक लगा देते हैं। और आगे फिर कहता है मिनट हैंड इन वन पीस, कह रहा है एक मिनट हैंड एक पीस में लग रहा है, हमने कहा ठीक है। फिर कहता है हॉवर हैंड, हमने कहा हॉवर हैंड भी एक ही लग रहा है, जो घड़ी का वो होता है ओवर हैंड वाली सुई। उसके बाद फिर कहता है सेकंड हैंड
ये भी वन लग रहा है, और फिर हावर मार्क, उसके बाद फिर कहता है स्ट्रैप, थ्री स्ट्रैप, वन पीस। कह रहा है कि एक पीस में कितने लग रहे हैं, तीन स्ट्रैप लग रहे हैं, ठीक है। और फिर दो डग होल लग रहे हैं एक पीस में, एक पीस में कितने डग होल, टू डग होल इन वन पीस। तो हमने टू डाल दिए, और आगे क्या दिया गया है, थ्री बक्कल इन वन पीस, बक्कल लग रहे हैं एक पीस में कितने, तीन। और आगे क्या दिया गया, अब कहता है एट एडजस्टमेंट होल इन टू पीस, आठ एडजस्टमेंट होल कितने पीस में लग रहे हैं, दो पीस में। तो एक पीस में कितना लगेगा, एक पीस में चार लगेंगे। और आगे क्या दिया गया है, फिर कहता है पंद्रह पुश बटन इन पांच पीस, पुश बटन जो है वो कितने लग रहे हैं, पांच लग रहे हैं पंद्रह पीस में। तो एक पीस में कितने लगेंगे, एक पीस में तीन लगेंगे। तो हमने कहा तीन लगा दिए। और फिर क्या कहता है, टू पैंट कलर इन वन पीस, तो पैंट कलर कितने लग रहे हैं, दो लग रहे हैं। और आगे क्या दिया गया, टू पैनल कवर सी फाइव इन वन पीस, जो पैनल कवर है हमारा वो दो लग रहे हैं। तो ये हमारा टोटल जो मटेरियल लगा 24, ये मटेरियल लगा है किसको बनाने में, इस एक वॉच को बनाने के लिए। तो देखोगे आप सारी चीज़ें दी गई हैं आपको यहाँ पर, ये स्ट्रैप हैगा इसका यहाँ पर, ये आपका ओवर मार्क यानी कि घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई, ये सारी एक एक लगी है। और बाकी जो भी इसका मटेरियल है रिमार्क वगैरह, वो सब हमने क्या करा है इसके अंदर बनाने के लिए अब लगा दिया है। अब लगा देंगे तो अब इसको अब सेव करेंगे। अब कहता है पीस कितने बनाए हैं, और पीस यहाँ पर हमने जो बनाए हैं वो हमने बनाए हैं पीस 175 पीस बनाए। उसको बनाने में जो टोटल खर्चा हुआ था वो 30 रुपये हुआ था। हमने यहाँ पर क्या किया, इसका एक्सपेंस हमने शायद गलत डाल दिया, 175 डाल दिया, और इसका जो खर्चा था वो कितना था, 30 रुपये। कह रहा है कि टोटल खर्चा होगा इस घड़ी को बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी, अदर एक्सपेंस, ऑफिस रेंट और फ्राइट, टोटल मिला के यहाँ पर जो खर्चा होगा वो 30 रुपये होगा एक पीस को बनाने में। हमने कहा ठीक है, और हमने यहाँ पर एक पीस का यहाँ पर क्या बनाया, मटेरियल डाला यहाँ पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको F2 बटन दबाया और सेव किया, एंटर किया, कितने पीस बनाए हमने, 175, और एक पीस को बनाने में कितना खर्चा है हमारा, 30 रुपये का। और जैसे आप एंटर करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉस्टिंग निकल के आ जाएगी, और आप देखोगे तो यहाँ पर जो कॉस्टिंग निकल के आ गई आपकी 1393 रुपये, यहाँ पर 97 पैसे आ रही है, और यहाँ पर 86 पैसे आ रही है। तो यहाँ पर जो क्या है वो 86 पैसे ही आएगी, 10 पैसे का इसके अंदर डिफरेंस है आपका, ठीक है। तो एक पीस हमने बना लिया कितने रुपए का, 1396 रुपये 87 पैसे। ये हमारी एक आइटम अब बन जाएगी, ये आइटम बन गई। फिर आगे हमें क्या करना है, आगे हमें एक आइटम और बनानी है, जिसका नाम क्या दिया गया है, न्यू फास्टैग स्पॉट वॉच बूम नेम है यहाँ पर। तो हमने डेट डाली, डेट क्या है इसकी, 14 है, तो हमने डेट 14 डाली। और यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, कह रहा है कि आपने जो आइटम बनाई है न्यू फास्टैग स्पॉट वॉच, तो हमने F3 बटन दबाया, लिख दिया न्यू, क्या लिखा हमने, न्यू फास्टैग स्पॉट वॉच, और इसके F3 बटन दबा दिया, और क्या लिख दिया हमने आगे, आइटम स्पॉट फास्टैग सिलिकॉन। तो हमने आप लिख दिया स्पॉट वॉच सिलिकॉन 01, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, फिनिश गुड्स, और ये रहेगा हमारा पीसेस के अंदर। और F2 बटन दबा के हमने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। आगे वन क्वांटिटी, और इस एक क्वांटिटी को बनाने में खर्चा कितना है, कह रहा है कि इस बार जो खर्चा हो रहा है वो कितना खर्चा हो रहा है, 44 रुपये 25 पैसे। तो हमने 44 रुपये 25 पैसे डाले, और क्या डाला हमने, मेन स्टोर, और यहाँ पर मेन स्टोर। और अब देखो आइटम क्या लगी, अब कहता है टू पुश बटन इन वन पीस, पुश बटन जो है वो कितने लगे एक पीस में, दो लगे। और आगे क्या दिया गया है, एक मिनट हैंड, मिनट हैंड क्या लगा, एक ही लगा है। और फिर आगे क्राउन, दो क्राउन इन टू पीस, तो
एक ही लगेगा फिर तो ये। फिर और आगे क्या दिया गया है, एक कैलेंडर विंडो, एक पीस और 3 लग A2, कितने लगे ये, एक पीस में कितने लगे लग A2, 3 लगे। और आगे कैश A5, एक पीस में एक, और ओवर हैंड कितना लगा है, एक पीस में एक, और सेकंड हैंड कितना लगा है, एक पीस में एक, और ओवर मार्क एक पीस में कितना लगा है, एक, और स्ट्रैप टू अटैच कितना लगा है एक पीस में, 2 लगे हैं, और 8 डग होल इन 2 पीस, तो कितना लग जाएगा, 4 लगेंगे यहाँ पर। और हमें क्या दिया गया, 9 बक्कल इन 3 पीस, तो एक पीस में कितना लगेगा। और आगे क्या दिया गया इसके बाद, 4 एडजस्टमेंट होल इन 1 पीस, तो यहाँ पर एक पीस में कितने लग रहे हैं हमारे एडजस्टमेंट होल, 4, और क्या दिया गया, 2 ब्रांड लोगो इन 1 पीस, ब्रांड लोगो एक पीस में 2 लग रहे हैं। और क्या बोला गया है, फिर आगे बोला गया है 1 पैंट कलर इन 1 पीस, तो यहाँ पर हमने लिख दिया पैंट कलर 1 1 पीस, और आगे क्या दिया गया, 2 पैंट पैनल कवर, पैनल कवर C5, एक पीस में 2 पैनल इन 2 पीस, तो एक पीस में 1 लग जाएगा ये, ठीक है। और पीस कितने बने यहाँ पर, अब आगे देखो, अब कहता है कि बाय प्रोडक्ट जनरेट, बाय प्रोडक्ट जनरेट का मतलब है कि जो इसके साथ साथ भी दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है, कह रहा है कि आपने जो आइटम बनाई है ना, इस आइटम को बनाने में क्या हो रहा है आपका, स्क्रैप भी हो रहा है, मटेरियल भी निकल रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी आपने फैब्रिक के लिए, शर्ट के लिए आपने दुकानदार को कपड़ा दिया होगा, टेलर को, तो टेलर उस पूरे कपड़े का यूज़ नहीं करता, क्या करता है, उसको काटता है, और साइड से काट के कुछ आपका फैब्रिक क्या निकल जाता है, वेस्टेज निकल जाता है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को बनाने में। इस तरह से हमने क्या किया, वॉच बनाया, उस वॉच को बनाने में हमारा कुछ मटेरियल क्या हो गया, ख़राब भी हो गया, जो स्क्रैप हो गया, तो स्क्रैप इसके साथ ही क्या हो गया, जनरेट हो गया। तो एफ से बटन दबाओगे यहाँ पर, क्या लिख दोगे, स्क्रैप, और ये किस में बना है, केजी में जनरेट हुआ है, तो 12 केजी जनरेट हो गया ये, कितना केजी, 12 केजी, तो आपने 12 केजी लिखा। और अब हमने क्या कर दिया, इसको F2 बटन दबाया, कितने पीस हमने यहाँ पर बनाए हैं इसके, तो कहता है कि आपने जो पीस बनाए हैं वो टोटल पीस कितने बनाए हैं, कहता है यहाँ पर आपने पीस बनाए हैं टोटल 245, 245 पीस हमने यहाँ पर इसके जनरेट किए, और एक पीस को बनाने में 44 रुपये 25 पैसे खर्चा था। तो जैसे आप एंटर करोगे तो बाय अपने आप जनरेट हो जाएगा, देखो तो 1602 रुपये बिल्कुल सही कॉस्ट आ गई है, पैसे में इसके अंदर थोड़ा का डिफरेंस है, तो ये आपका देखो बाय जनरेट ही हो जाएगा 2920 रुपये। केजी तो यहाँ पर 12 केजी हमने टोटल डाला था, ये ज़्यादा केजी आ गया, तो यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं मैनुअली 12 केजी, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसको F2 बटन दबाकर यहाँ पर सेव कर देते हैं, ये हमारा सेव हो गया। अब लेकिन इसके साथ साथ आप देखोगे ना, तो एक चीज़ और भी यहाँ पर दी गई थी, अनअसेंबल। अनअसेंबल क्या होता है, कहता है कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया था उसको उसी कंडीशन में क्या कर दो, दोबारा खोल कर रख दो, यानी कि जो हमने घड़ी बनाई थी, अब कहता है कि इसका क्या दोबारा निकाल दो, इसका ये जो कवर लगाया आपने वो निकाल दो, और मार्क जो लगाया वो निकाल दो, यानी कि जैसे ये थी उसी कंडीशन में क्या कर दो, इसको रख दो, ये कहलाता है आपका अनअसेंबल, बनाए हुए पार्ट को दोबारा से खोल कर उसी कंडीशन में रख देना। तो उसके लिए आप नीचे देखोगे यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है आपके पास, क्या इसका नाम दिया गया आपको अनअसेंबल। अनअसेंबल में अब आप आएंगे तो यहाँ पर अब आप देखेंगे तो कितने पीस बनाने हैं हमें, 5, तो हमने यहाँ पर डेट पहले डाल देते हैं अनअसेंबल की, तो कह रहा 15 डेट है, और पहले हमने क्या अनअसेंबल करना है, तो हमने पहले जो बनाया था, क्या बनाया था, फास्ट्रैक लेदर वॉच, और इसके पीस कितने अनअसेंबल करने हैं, 5, हमने 5 पीस अनअसेंबल किए, तो वही मटेरियल देखो आपका ये कंज्यूम हो जाएगा, और आपके पास दोबारा से ये वाला मटेरियल आ जाएगा। आप एक तरह से देखोगे तो यहाँ पर आपको ना
ये बिल्कुल उसकी तरह लगेगा, स्टॉक जनरल की तरह ही। स्टॉक जनरल भी सेम ऐसे ही आता ही है, थोड़ा सा बस खाली ये वाला एक फॉर्मेट और ऐड कर दिया गया है और यहाँ नाम चेंज कर दिया गया, बाकी सब बिल्कुल स्टॉक जनरल की तरह ही काम कर रहा है। आगे दूसरा बाब देखोगे तो कहता है कि आपने क्या करा है, 17 तारीख की डेट में, 17 तारीख की डेट में आपने क्या कर दिया, दूसरी जो हमने वॉच बनाई थी कौन सी, नहीं फास्ट एक स्पॉट वॉच, इसके 3 पीस अनअसेंबल कर दिए। तो हम यहाँ पर 3 पीस अनअसेंबल कर देंगे, स्क्रैप तो हमें करना नहीं यहाँ पर यूज़, हमने यहाँ पर F9 बटन दबाया, F2 से हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आइटम बन के तैयार हो गई। अब कहता है कि जो आप आपकी आइटम बनी है क्या करना है, अब आपको उसे सेल करना है, और सेल कैसे करना है, कहता है कॉस्टिंग निकाल कर सेल करना है। कितनी कॉस्टिंग, कह रहा है कि जितनी की बनी है कॉस्टिंग प्लस 50% प्रॉफिट ऐड करो और फिर क्या कर दो, सेल करो। तो प्रॉफिट देखने के लिए हमें क्या करना रहता था, पहले बताओ, स्टॉक स्टेटस में जाते थे, स्टॉक स्टेटस, क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस ओनली, ग्रुप ऑफ आइटम, और यहाँ पर हम क्या रख देते थे, फिनिश गुड्स, और यहाँ हम रख देते थे शो वैल्यू ऑफ आइटम। तो यहाँ पर अब आप देखोगे शो वैल्यू ऑफ आइटम क्या दिखा रहा है आपको, पहले वाले का दिखा रहा है 1393.86 रुपये, और जिसका नाम हैगा ब्लैक डायल लेदर स्ट्रैप, और दूसरे वाले का, तो हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर लिख भी लिया 1300, ब्लैक डायल, तो हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं 1393.86 रुपये, पहले वाले की कॉस्ट, और दूसरे वाले की कॉस्ट क्या आएगी, स्पॉट वॉच सिलिकॉन की, तो उसकी है 1602.67 रुपये, और इसका प्रॉफिट कितना निकालना है, 50% प्रॉफिट निकालना है, और दूसरे वाले का 65, तो 1393.86 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 100 प्लस 1393, 93.86 रुपये। ठीक है, एंटर करोगे तो इसकी जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो कितना आ गया, 2090, और इसका हमें कितना निकालना था, 1602.67 रुपये मल्टीप्लाई 65 डिवाइड बाय 100 प्लस 1602.67 रुपये। एंटर करोगे तो इसका प्राइस आ गया ये। ठीक है, तो अब आगे हमें क्या करना है, सेल करना है। तो सेल करने से पहले हम क्या कर देते हैं, आगे भी सेम ही सेल करना है हमें, तो प्राइस का तो देखो वही सेम ही दिया गया, तो एक ही बार क्या कर दो, सेल का प्राइस डाल दो यहाँ पर, बार बार डालने का झंझट खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार आइटम को मॉडिफाई करके ना इसका प्राइस भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम निकालते हैं आइटम लिस्ट स्क्रीन स्टैंडर्ड ग्रुप ऑफ आइटम, उसके अंदर फिनिश गुड डाल देते हैं, पहले वाले का प्राइस क्या निकल कर आया था, तो यहाँ पर डाल दो भाई, इसका सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा, अब पहले वाले का 2090.79 रुपये, और F2 से सेव कर दो, और दूसरे वाले का प्राइस जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा यहाँ पर, 2644.40 रुपये, F2 से सेव कर दो, और आगे अब क्या करो, इसको सेल करो। तो सेल करने के लिए आप क्या करोगे, क्या करेंगे, आप सेल में आएंगे, और डेट क्या दी गई है हमें यहाँ पर सेल करने के लिए, तो डेट दी गई अब हमें यहाँ पर 26 तारीख, 26 तारीख अब हमने क्या कर दिया, सेल करा, और सेल किसको किया यहाँ पर, कह रहा है कि सेल के उस पार्टी का नाम है प्रिंस वॉच कंपनी, तो यहाँ पर आपने F3 से पार्टी बना ली, इसका नाम लिख दिया हमने प्रिंस वॉच कंपनी, और हमने क्या डाल दिया इसके अंडर ग्रुप में, सेम संडी डेटस जैसे डालते आए हैं, और इसका पूरा एड्रेस डिटेल हम क्या कर देंगे यहाँ पर फुलफिल करेंगे, और F2 से इसको सेव कर देंगे, और आगे हमने क्या सेल किया, फास्ट ट्रैक, और कितने भी सेल कर दिए हमने इसके, 45, फिर उसके बाद आपने क्या सेल किया आगे, स्पॉट वॉच सिलिकॉन कितने भी, 65, तो और क्या आपने सेल किया, क्या डिस्काउंट आपने दिया इसको,
₹14.50 और कह रहा है कि फ्राइड लगा आपका ₹1500 और फिर आपने क्या किया आगे राउंड ऐड किया कितना ₹55। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई इसकी, कह रहा है इसकी जो कॉस्ट आएगी वो यहाँ पर 224, तो यहाँ पर कॉस्टिंग तो गलत दी गई है इसकी, 228,906 और यहाँ पर कितनी आ रही है 224, 453। सेलिंग प्राइस में इनवॉइस कॉस्टिंग गलत है यहाँ पर, तो क्या कर देंगे हम इसको सेव कर देंगे और ये हमारा यहाँ पर सेव हो जाएगा। ठीक है, फिर अगली सेल करोगे, अगली सेल करने के बाद फिर एक और सेल है आपकी और उसके बाद कैश बुक और बैंक बुक। और कैश बुक और बैंक बुक के अंदर यहाँ पर क्या करना है, अब आपको कैश की और बैंक की ट्रांजेक्शन करनी रहेगी जैसे अभी तक हम करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कैपिटल की एंट्री जो है वो 5 लाख डालनी है यहाँ पर आपको, जैसे हमने अभी तक 10 लाख डाली थी तो 10 लाख की जगह 5 लाख करोगे और यहाँ पर आपको डायरेक्ट बैंक के अंदर पैसे नहीं जमा करने। यहाँ पर दिया गया आपको क्या, यहाँ पर आपको दिया गया ₹7,000, आपने क्या करना है बैंक के अंदर यहाँ पर ₹1,00,000 आपने जमा किए बैंक के अंदर, तो ये एंट्री होगी कॉन्ट्रा वाली। ठीक है, बाकी सारी एंट्री आपको वैसे ही करनी है जैसे अभी तक आप करते हैं। तो क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।